हेलो भाई, मैं अरुण पवार। और अब मेरे हाथ में क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये चीज एक ऐसी है जो आपको कुछ भी खरीदवा सकती है और लुटा भी सकती है। लेकिन आज हम अपना एक ड्रीम सा पूरा करने जा रहे हैं भैया। आज आपने टाइटल थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा भैया, एक ऐसी गाड़ी जो सबका ड्रीम होता है, तेरी भी है। तो भाई ये मेरा फ्रेंड और मैं चल दिए हैं एक ऐसा ही शुभ काम करने के लिए आज, क्योंकि भैया अब चल रहा है मार्च का सीजन और मार्च के महीने में गाड़ी ले लो तो बेस्ट है, क्योंकि 1 अप्रैल से हर गाड़ी के रेट बढ़ जाते हैं। और अभी गाड़ी ले लोगे तो भाई वो टैक्स वगैरह से बच जाओगे, जो 1 अप्रैल के बाद फाइनेंशियल ईयर बंद हो जाता है। अटरम सटरम जो होता है वो बहुत होता है। लेकिन भैया जो ड्रीम एसयूवी है फाइनली यार आ रही है यार, कब तक ये छोटी मोटी गाड़ी में हम नहीं बैठेंगे, अब हम रियल साइज एसयूवी चलाएंगे। कौन सी गाड़ी? गाड़ी वाड़ी का नाम आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन वेरियंट, इंटीरियर और वो सब चीज़ें भैया थोड़ी यूनिक है, इसलिए वो गाड़ी कहीं मिल ही नहीं रही थी हमको। लेकिन एक जगह मिली है और हम फटाफट से आज ही चल दिए हैं भाई। देखो 3:43 हो रहे हैं, अभी हमको कैश भी निकालना है अपना, इसलिए जल्दी से कि एकदम निकलवा लें तो होल्ड कर देंगे गाड़ी को, वरना कोई और ले जाएगा ना उसको तो फिर फायदा नहीं है। तो अभी बुकिंग अमाउंट देंगे 2 लाख रुपए, वैसे 1 लाख लगता है उस गाड़ी के लिए, लेकिन हम 2 लाख देंगे तो वो थोड़ा सा बंदा हमारी तरफ झुक जाएगा। और डिलीवरी लेंगे भैया होली के बाद, आज 20 मार्च है, क्योंकि होली के राउंड थोड़ा हमारे शुभ नहीं मानते, होली के बाद ले लेंगे और मज़ा आ जाएगा भाई। लेकिन सबसे पहले तो मेरे को कैश निकालना है फटाफट से भाइयों, फाइनली ड्रीम पूरे होने जा रहा है किसी का, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। ओह भाई पहुंच गए अपना बैंक, कैश निकाल लेता हूं, पहले कैश दूंगा यार मैं, वैसे तो वो भी ऐसा पहले तो, पर कोई रीज़न है यार। एक्साइटेड है, सो मच एक्साइटेड, फॉर्चुनर, फाइनली फॉर्चुनर। और अभी तो ये तो सिर्फ 1 लाख है, अभी 44 लाख और जाएगा, वो भी तो यही देंगे। ओके ब्रो, थैंक यू। चलो भाई आओ। तो भाई अभी हम जा रहे थे जिस शोरूम पे बात हो रखी थी, एक शोरूम ने उससे कम रेट में दे दी, मतलब जैसे मैंने फ़ोन करा था जगह जगह पूछा गुड़गांव में किस पे मिल जाएगी किस पे मिल जाएगी, तो 2 शोरूमों के बीच में कंपटीशन करवा दिए। तो एक मैं जिस शोरूम पे भी जा रहा था ना पैसे जमा करने, दूसरे का फ़ोन आ गया कि हम पे हमसे ले लो, हम पे क्या बात हो गई, तो मूड बदल गया कि मैं कह रहा चलो आप पे चल देता हूँ, ऐसे हो जाता है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ पर तनिष, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ भाई, इनको छुपा लो यार, सॉरी भाई हमारी इंटेंशन नहीं थी, गलती से दिख गई। तो एक तो ये ले लिए और एक वैसे यूपीआई कर दी, क्योंकि भाई 2 लाख रुपए, 1,99,000 रुपए ही कैश लेते हैं ये लोग, और मतलब ज़्यादा ब्लैक वगैरह ना हो इस चक्कर में, ये तो कह रहा 10 लाख तक लेनी चाहिए कम से कम फॉर्चुनर जैसी गाड़ी में। तो और क्या क्या भाई, अब तू कोई 2 नंबरी काम करके गाड़ी ले आए, ये भरोसा थोड़ी है भाई, हम 2 नंबर वाले लग रहे हैं क्या? पर भाई आपको देखो इसकी किया सेल्टोस में एक चीज़ लटकती हुई दिख रही होगी, जिसको कहते हैं भाई ये इन्वॉल्व का हैंगिंग कार्ड। इस गाड़ी में एक बहुत ही तगड़ी सी फ्रेगरेंस बन रखी है, और भाई वैसे छड़कने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फ्लेम वाला छड़क देता हूँ, क्योंकि भाई ये बेस्ट परफ्यूम है गाड़ी के मामले में। मैं जब भी गाड़ी की डिलीवरी लूंगा ना तो भाई सबसे पहले ये जरूर छिड़कूंगा, ये मेरी गारंटी है। इस दो स्प्रे कर दो, मस्त है भाई, ये जेन्युइनली ना बेस्ट है यार। आप भी वेट मत करो, involvedaccessories.com पे जाके अभी अपने लिए ऑर्डर कर लीजिए, इतने सारे इनके वेरिएंट आते हैं भाई, डोंट मिस इट आउट। भाई गुड़गांव भी आज के टाइम में क्या चीज बन गई है, यहाँ ही लगता है दुबई फुबई तो ना आगे कहीं। लो भाई पहुंच गए सबके ड्रीम शोरूम टोयोटा, मतलब सबका तो नहीं, जिनपे मतलब थोड़ा सा 50 एक जो नए नए रईस बने हुए हैं जिनकी जमीन बिकी हो उनके फेवरेट शोरूम पे। वैसे तो लोग लैम्बोर्गिनी अर्जुन क्या क्या लेते हैं वो ड्रीम होते हैं, पर हम जैसे होगा तो भैया यही लिप जाए तो बड़ी बात। तो भाई अभी कैमरे में ढंग से नहीं दिख रहा था, अब देख लो ये शोरूम है जिसमें हम आए हैं, पूछते पहले रेट राट कर लेते हैं यार एक बार, इंस्टेंट इतना मतलब जोश में होश नहीं खोने, रेट का भी पता करना है पहले ही जाकर। तो भाई पहुंच गए शोरूम में, अभी कोटेशन वगैरह बनवा लेता हूं, बातचीत हो गई अपनी जो सर थे पहले वो कर लेते हैं डील भी। गाड़ी तो वैसे ये लगती है भाई कोई घना ही रहीस हो तो ये बेस्ट है, ये लेजेंडर आपकी, पर इसका इंटीरियर उतना ही छपरी मतलब मुझे तो इसका इंटीरियर बहुत ही ऐसे बकवास लगता है जैसे कहते हैं। और इसमें IMT का बटन नहीं आता भैया, जैसे इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन आता है ना उसमें, जो संदीप वाली में 4x2 में,
लेकिन इसका प्राइस बता रहे हैं अरे 56 लाख रुपए 4x2 में है ना, 4x4 नहीं, ये है 5 लाख ना 51 लाख सॉरी 56 तो 4x4 में है और ये 4x4 है नहीं, तो ये वाली 56 लाख रुपए की है यार, इतना बजट नहीं है यार, अंडर 50 लेनी है यार, नहीं तो देखने बहाने में तो अरे बेस्ट है। बस इसका कलर सही है, टोयोटा हाइलक्स भाई, इसमें इतना स्पेस है, पर एक डाउट ये रहता है इसमें बस कि पीछे इसमें स्पेस है नहीं है, ये देखता हूँ पीछे स्पेस ना भाई यार गाड़ी में, यार दिक्कत एक यू है बस, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा सामान आ गया ना, देखियो बैठ कर तू देखिए मेरे पाँव तो बहुत भिज रहे हैं यार, हमें यहाँ पे भाई अभी फिलहाल के टाइम पे 7-8 लाख रुपए का डिस्काउंट ये बता रहे हैं। अच्छा सीट भी पीछे नहीं होगी, वही मैं देख रहा हूँ, रिक्लाइन ना है, बिल्कुल फिक्स है सीट, एडवेंचर्स आदमी इनके नहीं है, ये पड़ रही है भाई हमको बता दिए ना 44-73 विदाउट ग्रीन टैक्स, नहीं अभी इसमें वो मतलब 45 लास्ट है आपका, 45 लास्ट है, 45 से 1 रुपए नीचे नहीं, 45 जो भी आएगा थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 2-4 जब इंश्योरेंस का वो आएगा तो उसमें देख लेंगे। अभी हम यहाँ से तो निकल गए हैं यार, सही रेट पे दे रहे हैं ये, और ये कह रहा है भाई कहीं और भी ट्राई कर लेते हैं एक शोरूम पे ही नहीं, जैसे हमने सेल्टोस पे ट्राई किया सर डिस्काउंट अच्छा, हाँ ऐसा तो मिल जाता है, पर ये बढ़िया थे ये लोग बात बात करने का तरीका था, 45 लाख की दे रहे हैं भाई ये पूरी पट्ट, तो कह रहा थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट करो, तो इसमें डिस्काउंट नहीं रहता बताया यार फॉर्च्यूनर में, पता नहीं क्या रोग है और इन पर टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं चलो एक शोरूम पे और चल देते वरना फाइनल, तो इस पर फिर हम अपना 1 लाख रुपए जो हैं और मतलब 1 लाख यू पे ही कर ही देंगे फिर इनके पास। तो ये देख लो एक बार डिटेल में चेमोइस इंटीरियर जो थोड़ा सा पीला पीला सा था ना वो इंटीरियर, तो ये 45 की बड़ी, ग्रीन टैक्स नहीं है इसके अंदर, बाकी उस पर चल के देख ले तो उसका चेन भाई कंपेयर करना चाहिए आपको अलग अलग डीलरशिप्स पे अलग अलग शोरूम पे, बेस्ट रेट्स तभी मिल पाते हैं, एकदम जल्दबाजी हड़बड़ाहट में क्या चीज़ हो रहा है यार, अब हमारा एकदम मूड भी बदल गया। एक्चुअली फॉर्च्यूनर में कलर भी वाइट में 2 आते हैं भाई, एक आता है सुपर वाइट और एक आता है पर्ल वाइट, अभी तक जो हम सबके रेट पूछते फिर रहे थे ना वो था सुपर वाइट का, जो ये 45 लाख रुपए बताया भाई ने, यार सब ये कह रहे हैं भाई कि पर्ल वाइट लेना, पर्ल वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, वो पीला पड़ जाता है, पीला पीला सा भी लगता है, संदीप वाली भी पर्ल वाइट है वो उससे 15-20 हज़ार रुपये महंगी है, तो मैं कह यार ये तो सही बच गए हम यार जो बुकिंग ना करवाई है ना, नहीं तो उसी का ही रेट डर्न हो जाता था। हाँ यार और फिर जिंदगी भर पछताते सुपर वाइट को, पीले कलर थे तो वैसी दिक्कत लगे, वाइट जितना ज़्यादा चमके उतना ज़्यादा बढ़िया है, तो अब चल के यार उसका ही पूछेंगे 15 हज़ार रुपये, चलो एक बार में चले जाएँ इतने ना दुखते हैं इतनी बड़ी गाड़ी में, बट पर्ल वाइट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, और मैंने जहाँ भी रेट पूछा अभी तक सुपर वाइट में ही, पर ये भी पता चलेगा यार वो अवेलेबल है भी नहीं पर्ल वाइट, क्योंकि सबके सब सुपर वाइट बेच रहे थे, जन सुपर वाइट ज़्यादा स्टॉक में रहता है कि क्या पता यार। एक चीज़ और भाई मेरे दिल पे एक बात लग गई, मैं इनसे कह रहा था वो टेस्ट ड्राइव तो दे दो हमको उसकी फॉर्चुनर की, कह रहा फॉर्चुनर की टेस्ट ड्राइव लेता ही नहीं है कोई, मैं हमको दे दो, कह रहे हमारे 5 शोरूम है वो पहले बुक करवानी पड़ती है एक दिन पहले ही, तब जाके टेस्ट ड्राइव होती है, मतलब लोगों को इतना अंधा ट्रस्ट है फॉर्चुनर के ऊपर कि टेस्ट ड्राइव लेते ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट बुक, हमने देखी भी कहाँ जाके बैठे नहीं हम तो लेजेंडर में ऐसे कुदरती, जब तक वो बनवा रहे थे कोटेशन तब तक जाके बैठ गए कि देख लेते हैं। अच्छा हाइलक्स पे बहुत मोटा डिस्काउंट चला रखा है यार, हाइलक्स पे 15-15 लाख 13 लाख रुपये ऐसे ही ले जाओ, 35-35 लाख रुपये की हाइलक्स, जबकि सेम प्लेटफॉर्म सेम सब कुछ सेम है उसमें इंजन वगैरह 4x4, बट यार वो ना थोड़ा अलग सी गाड़ी लगती है यार, वो फैमिली को उसमें बिठा के घुमाने में शर्म आएगी यार, वो थोड़ा ऐसा हम जैसे बॉयज़ हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है जो मूछ पहनाते हों अपनी, पर फैमिली के साथ नहीं जमती यार, और ऐसे कहीं रिश्तेदारी फिश्तारी में जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा पिकअप आ गया हमें पानी कट्टी लोड करो, आधे टाइम तो हम गांव में वैसी ले मतलब भाईचारे में डुलाए करेंगे कि ले पहाड़ पर हलुआ दख दिया हम धर के कटोरा, तो होली दिवाली पे जैसे भंडारे होते रहे इसमें ये ले जा वो ले जा, मतलब गाड़ी वो बन जाएगी, इसलिए हाइलक्स तो यार बहुत कम लोग देखते हैं, यही एक रीज़न है कि उसकी जो सेल्स हैं वो बहुत लिटिल है, और टोयोटा रोती रहती है उसको बेचने के लिए, पर जो उसके फ़ैन है ना वो अलग ही लेवल के फ़ैन है भाई, एडवेंचरस हर बंदे को वो समझ नहीं आती वो वाली गाड़ी, ये तो है यार गुड़गांव क्या बनो पड़ो भाई, दुबई तो कम ना भाई आगे भाई। अच्छा टाटा को इलेक्ट्रिक शोरूम यहाँ खुलो जिसकी एड वैड इतनी ज़्यादा करी, सबने वीडियो डाली इसकी तन पेड़ जन कैसे, इस पर चलते हैं नया बढ़िया सा शोरूम है IGM टोयोटा, इस पर पूछ के आते हैं पर्ल वाइट का रेट, पार्क किया के बगल में लगा दे रही पर सेंट्रो खड़ी दी कि ना रही यहीं लगा दे साड़ी या तो ये तो गुड़गांव में पार्किंग की बहुत दिक्कत, सेंटर साइड बीच में घुसा दे इसके आगे है घुसा देना है, दुनिया भर की जगह है यार भाई, अब नए शोरूम में आ गए इनका तो काम चल रहा है भाई, भेज दो भाई
कुछ भाई को भेज दो भाई, इनकी सर्विस तो ऐसी है यार IGM की भाई। जैसे तैसे रेट लिस्ट तो मिली है, पल वाइड तो थोड़ी महंगी है यार, ये शोरूम पर तो डिस्काउंट भी नहीं है। 45,32,000 रुपये की है ये, और डिस्काउंट भी नहीं है कुछ। 45,32 की पल वाइड, वो 10 इंटीरियर भाई, बहुत मोटी दुविधा में है। और वैसे इसका देखो 2.8 लीटर 4x4 GR स्पोर्ट 62,00,000 रुपये की है। फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल इतनी महंगी हो गई, क्या करें। और हम इतनी कन्फ्यूजन में 45 में कहाँ वो नॉर्मल मिल रही थी, यहाँ 32,000 रुपये बढ़ गए हैं बताओ। जस्ट पर्ल वाइट और सुपर वाइट में 32,000 रुपये का डिफरेंस आ गया है। वहाँ पे वो है नहीं उस शोरूम पे, पर्ल वाइट और 10 इंटीरियर का कॉम्बिनेशन, मोटी दुविधा है यार। हाईलक्स के लिए कितना नकली ट्रैक रेडी कर रखा है वैसे, बाय द वे भाई, पत्थर नकली, सब चीज़ नकली, कंकड़ी नकली, हमारे इंट्री में भेज दो, हम करके दिखाएंगे ऑफ रोडिंग। अरे यार शोरूम पर तो मैं क्या बताऊँ भैया, भाई कोई मतलब ही ना का ये, इवन ये पकड़ा दिया यार। एक प्रॉपर कोटेशन तो होता है, 45,00,000 रुपए की गाड़ी लेते हैं यार, फील ही नहीं आ रही। वैसे डिलीवरी हो रही है भैया, कौन सी गाड़ी है? डिग्री अर्बन क्रूजर। अच्छा, उनके उनके ऊपर तो दद्दजने लद रहे, और यहाँ फॉर्च्यूनर वाले क्योंकि पूछ ही ना यार, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है ब्रो। चलें यहाँ शोरूम पर, जब कोई हुई ना यार, चलो हैं चलते हैं शोरूम पर निकल, चल कहीं और देखेंगे यार। ओह सेलिब्रेशन, चलो भाई ये ना कत्ते भी कोई भाई, मुझे लगे ज़्यादा चल रहा हो ये शोरूम वहाँ करे, ज़्यादा ही चल रहा है। ऐसे ही रील फील तो बना लेते हैं सुबह की, बुकिंग बुकिंग करते कि बुकिंग कहाँ से करें, कोई है ही नहीं लेने वाला। हम भाई यार देखो बाहर तो सब लोग खड़े हैं, पर हमको कोई नहीं पूछ रहा, या तो इसकी ड्रेसिंग सेंस में कोई कमी है या मेरी में। अरे गाड़ी तो यार भयंकर लगा 4x4 की, तो अलॉयज तो पहचान हो जावे, देखना आ गया तड़ जा मलूक, देखना भाई तो फर्स्ट क्लास। पर भाई मैं तो टोयोटा की सर्विस को कसम से जल हाथ में बहुत अच्छी समझता था, बट मैं बताता हूँ पूरा सीन हो क्या रहा है। देखो जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, जैसे आप किसी एक दुकान से आ जाते हो, फिर दोबारा जाते हो उसके पास सेम सामान लेने, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, फिर वो उस तरीके से बात नहीं करता। सेम हमारे साथ हुआ, अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट बदल दी पर्ल वाइट विद 10 इंटीरियर, तो भाई अब उस भाई का कहना है कि ये वाला मेरे पास ऑप्शन नहीं। अब तो सर से भाई पे आ गया वो वाला भी, वो जो पहले शोरूम था MGF वाला है, इस पे है, कल आ जाएगा फिजिकल स्टॉक, पर ये ना बात करने को रेडी है भाई। मैं तो सुना भी दी थी इसको कि भाई ज़्यादा बिजी लगे, फिर इसको पता नहीं कि खुंदस्ती हो गई, फिर ये चलाएगी हमारे पास से यार। और कोई शोरूम IGM और MGF की सारी ब्रांचें और घूम फिर के, तो यार क्योंकि एक स्टॉक जो इनके पास है वो दूसरे उस पर चले जाएंगे, बात वही है। डिस्काउंट के नाम पर एक रुपया नहीं दे रहा, बस कह रहा है कि इंश्योरेंस में जो उठाएगा ना तब उठाएगा, डिलीवरी के टाइम पे वो हो जाएगा। अब वो जैसे 180 का इंश्योरेंस है, अब वो 170 भी उठा सकता है, 175 भी, 178 भी, ऐसे थोड़ी होता है यार कि 2,000 उठा लो उस टाइम पे, 4,000 ऐसे नहीं होता। एक वो भी तो दे रहा हो रे 45,00,000 रुपये, क्लियर कट उसने बोल दी थी सुपर वाइट 45,00,000 रुपये में, एक रुपया ऊपर नहीं लूँगा, 45,00,000 में ले जाना टोटल। इनको क्या पता हम रियल हम सीरियस है, ये तो नहीं हो जाना है कि नहीं छपरी आगे का कोई भाई। देखो ब्रो मानने वाली बात ना, देखना हम अपने पैसे लेके आए थे ठीक है, पर इनके भाग में ना आए तो देखो हमारा कसूर तो है ना भैया, उसी पे चल रहे हैं भाई। छोड़ो दिमाग खराब हो गए, वही तो गाड़ी लेंगे सुपर वाइट ही। सुपर वाइट डन कन्फर्म, डन डन डन, चलो देख ले, चलो चलो अब बहुत हो गया भाई, इनकी बहुत जेल भी है ऐसे की तो क्या। तो सुन ओए एक काम कर, वहाँ पे चल के सुपर वाइट ही बुक करवा दे, सुपर वाइट चलो 45,00,000 रुपये में बेस्ट हो, छोड़ना ही नहीं समर घोट चुका है भाई आपका भाई सुपर वाइट पर करके कल के कलर की है ना जाए यार, तनिस कहीं बुरा लगे उस साइड में संदीप की खड़ी रहे और फिर हमारी बुरी लगे, जबकि जब देखी जाएगी तो 15,000-20,000 रुपये के ऊपर और एक आध दिन के ऊपर क्या बात बिगाड़ है। आओ बैठ के डिस्कस कर लेते हो। देखो बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग से सोचने के बाद दोनों ने इधर उधर डिस्कशन करने के बाद यही आए कि भाई ऐसी जगह से गाड़ी लो फॉर्चुनर जैसी, जहाँ इज्जत हो और बढ़िया ठाट से दे, ऐसी नहीं भाई जहाँ कोई कुत्ता भी पूछ रहा हो है। तो हमने सोचा अरे कौन वाइट बत किस वाइट कहाँ फर्क पता चलता है भाई, मैं सेल्टोस भी तो ले रखी है। हाँ मैं पलट रहा हूँ अपनी बात से, वो अलग बात है, हम दोनों ने बेस मॉडल ले रखा है सेल्टोस इसमें, और जो HT के प्लस के बाद जो टॉप मॉडल आते हैं उनमें फर्क है भाई वाइट के अंदर भी, बट हु केयर्स यार इतना कौन ध्यान से देखता है। तो हमने तो भैया फिर उसी शोरूम पे चलते हैं, भाव बढ़ गए तो अब क्या करें, भाव डाउन आ जाएंगे यार जब पैसा देखेगा आदमी तो, पर ऐसा ना करें यार तनिश, हमने गलती तो कर दी भाई। यू है ना कहना उस यार बना पंजाबी वाली हरकत, ओट डाउन 45 के नीचे भी, जब भाई लिमिट है यार
यू बंदा कहते ही ना टहल रो यार, एक रुपया पे ना टहल रो यार, कोटेशन बनाने तक की मेहनत ना करी, बिजी इतनो। नहीं भाई ऐसे नहीं चलता, वहाँ देखेंगे वरना बुकिंग अमाउंट ये पकड़ो सर, आप बुकिंग करो, होली के बाद गाड़ी हमारी और आपका टारगेट पूरा जो भी है। ठीक है यार, ज़्यादा कलर फलर में क्या इतना वो करना है, सबकी रिक्वायरमेंट में सुपर वाइट ही रहती है, पर हमारा ये भाई बुकिंग एक्सपीरियंस भी प्रोजेक्ट तो ही बन गए यार। अभी हमने पता ये भी दिमाग लगाया कि एक दस दिन रुक जाते हैं दिल्ली, पूछ लेंगे, पर इतनी कौन पचे यार सिरदर्दी। एक तो वो टैन कलर का, वो भी पर्ल वाइट विद ब्लैक तो है, पर्ल वाइट विद ब्लैक इंटीरियर, पर दिक्कत उसी में है बस कि वो टैन इंटीरियर होना चाहिए और पर्ल वाइट कलर होना चाहिए। अरे सुपर वाइट विद टैन दे दो यार, कोई बात नहीं, फांस काटो। लौट के बुद्धू घर को आ गए हैं, पर सही है, अब हमें जिंदगी में नहीं होता रहेगा कि हमने सस्ती गाड़ी ली है, नहीं जब नहीं हो रहे तो कि यही को बहम में रहे तो कि यार क्या पता है ना महंगी दी यहीं लगा दे आपके, तो ले ले प्रधान रुपया ले ले खुशी, अब तक तो मुड़ो लटक रहो। ये तो होता है यार, कहीं से ना हो जाए ना फिर दिमाग खराब होता है, फिर हो जाए तो फिर अच्छा सा मजा। भाई हम तो अगेन शोरूम पे आ गए और सर से बुकिंग करवा रहे हैं, हमको तो बेस्ट सर्विस और सब कुछ बेस्ट यहीं का लगा भाई, फाइनली बेस्ट रेट भी इनका और सर्विस वगैरह भी ओके है, हम जब टोयोटा की बेस्ट। ये रहने दो यार, तो सर को हम 1,00,000 की कैश देते हैं। सर हेजिटेट हो रहे थोड़े से। नहीं नहीं सर ठीक है, गिन लो जी आप पूरे 1 हैं और बाकी 1 की ये कह रहे हैं कि बाद में दे देना डिलीवरी के टाइम पे, है ना, बाकी पूरे जो भी रहेंगे 44 बच गए ना, जो भी देख लेंगे भाई, प्राइस ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये हमारी बुकिंग हो गई कंप्लीट और ये मिल गया हमको जो बुकिंग बुकलेट फॉर्म वगैरह होता है, वेरी हैप्पी भाई, वेरी हैप्पी, मुबारक। चले चलो, तो भाई फाइनली इसी के साथ हो चुके हमारी गाड़ी बुक। इस पर अभी तो फॉर्च्यूनर पे कोई वेटिंग वगैरह है नहीं भैया, आप कोई सा कलर मतलब कोई सा तो खैर नहीं बोलो, पर कोई कोई वेरियंट है जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है और 45,00,000 रुपये पूरी कॉस्टिंग पड़ेगी, जैसा कि इसमें हमारे पे जो ये बुकलेट सा है इसमें ना लिख दिया गया है, या चेक बुक है तो उस लाजो सा अभी दे देगा उन्होंने कहा, पर अभी दिया नहीं भाई, इन्होंने लिया नहीं कुछ, कह रहे डिलीवरी पे ही दे देना जो भी ऊपर का है। तो भाई वेलकम टू ओसम हो चुका है, अब भाइयों से एक हफ्ते बाद डिलीवरी है, वो दिखाऊंगा कि कैसी होती है कैसी नहीं होती है भैया और कैसे फीचर वगैरह आएंगे। तो चलो भाई अब एक हफ्ते बाद बताता हूँ पूरा सीन क्या होता है, पर आई एम वेरी हैप्पी टुडे, चलो फॉर्चुनर बुक हो गई है, बढ़िया भाई, पहले वेटिंग वगैरह होती थी अब नहीं है। MGF टोयोटा की सर्विस भी काफ़ी गुड है, बहुत अच्छे जो हमको एडवाइस कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छे, योगराज शर्मा जी थैंक यू सो मच, वीडियो देने टाटा बाय बाय भाई, गुड नाइट। चलो एक्साइटमेंट में मेरी आवाज़ कैसी हो गई, कॉन्ग्रेट्स तो बोल दे मुझे, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। चलो चलो ओके।